हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्कॉलरशिप का रिन्यूअल फॉर्म कंप्लीट भर के दिखाने वाले दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है इसका प्रोसेस बदल चुका है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप 2024 सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का एक यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसी पर क्लिक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करता हूँ दोस्तों। इस बार जो है यहाँ पर एक अलग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। हम आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देंगे दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे तीसरे नंबर पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीमेट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पर जो है प्रीमेट्रिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों इंटर का जो हमने जो है 11th का पिछले साल किया था, और यहाँ पर हम दोस्तों 12th का जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक किया दोस्तों। सेम प्रोसेस इसका प्रीमेट्रिक का भी होगा। अगर आपने जो है यहाँ पर हाई स्कूल करने जा रहे हैं तो दोस्तों सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर चलिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर ध्यान रखें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो 11th में अप्लाई किए थे वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना होगा, और यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता दोस्तों तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको यहां पर कुछ डिटेल भरेंगे और पासवर्ड अपना फॉरगेट कर लेंगे, या फिर दोस्तों हम इसके रिलेटेड दूसरा वीडियो बना दिए हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कैसे अपना पासवर्ड को पता करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जैसे आप जो है क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है एक स्टेप दिखाएगा और रजिस्ट्रेशन वाला ग्रीन स्टेप रहेगा और फोटो अपलोड वाला। आपको यहां पर सिर्फ एनपीसीआई सत्यापन हेतु वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। यहां पर एक ही ऑप्शन आपको क्लिक करने को मिलेगा और दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहां पर खुलने वाला नहीं है। जैसे आप वहाँ पर एनपीसीआई है तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक एनपीसीआई स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे आप चेक यहाँ पर क्लिक करते हैं, चलिए चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर वी आर सॉरी का आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आप जैसे दोबारा ट्राई करेंगे दोस्तों ये 101% आगे बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो है एक ही स्टेप था और यहाँ पर अब कई लोग स्टेप में जो है ग्रीन देखने को मिल रहा है। एनपीसीआई है सत्यापन यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर नवीनीकरण संशोधन सभी पर टिक हो चुका है। यहाँ पर अब जो है फोटो अपलोड करेंगे, बगल में नीचे आप देखेंगे जहाँ आवेदन प्रिंट करें, तो यहां पर अभी ग्रीन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों लाइव देख रहे हैं इसको, हम यहाँ पर स्किप नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर संस्था हेतु आवेदन प्रिंट पर अगर एक बार जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये सातों स्टेप ऑटोमेटिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी दोस्तों ये कुछ सेकेंड आप वेट करेंगे, और वेट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर सातों स्टेप ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाएंगे। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम सस्ता है ऑटोमेटिक प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार वी आर सॉरी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तुरंत ये सातों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी या एक भी वर्ड यहाँ पर नया फिल करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका ये कम्प्लीटली फॉर्म जो है आपका संस्था की तरफ से भरा जाएगा, मतलब आपके स्कूल की तरफ से ये फॉर्म फिल किया जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर दूसरी बार यहाँ पर प्रिंट हेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वी आर सॉरी हर बार ही दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर करंट स्टेटस पर अगर एक बार क्लिक करेंगे फिर भी यहाँ पर वी आर सॉरी ही दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, यहाँ पर आपके स्कूल के जो है पेंडिंग हो चुका है। यहाँ पर सारी डिटेल आपका डाटा जो है स्कूल के थ्रू जो है यहाँ पर आपका भरे जाने वाला है। तो जैसे आपका जो है संस्था के द्वारा यहाँ पर जो है आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ये पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पर वेरीफाइड लिख जाएगा। फिर आप दोस्तों यहाँ पर संस्था हेतु आवेदन प्रिंट प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है एक प्रिंट निकल आएगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से दोस्तों अपना रिन्यूअल को फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस बार रिन्यूअल फॉर्म में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वन आपको जो है एनपीसीआई को सत्यापित ही कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप 2 से 3 दिनों के बाद आप आएंगे तो उसके बाद संस्था आयोग आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका यहां पर जो है सक्सेसफुल प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट।